हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन एंड नियो वेदांत अंडर द न्यू प्लेलिस्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। आप चैनल में देखेंगे तो एक नई प्लेलिस्ट ऐड हुई है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी समकालीन भारतीय दर्शन। ये इसलिए ऐड की है मैंने क्योंकि अब जो नए एनईपी में जो नए सब्जेक्ट्स आए हैं 5th सेमेस्टर में, उसमें एक पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी और उससे रिलेटेड टॉपिक इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और भी कई जगह ये फिलॉसफी पढ़ी जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आती है, तो आपको काफ़ी अच्छा मेंटर इसमें मैं देने की कोशिश करूँगी। कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी हैज़ अराइजन इन अवेयरनेस ऑफ द नीड टू रिकनसाइल द फोर्सेज ऑफ ट्रेडिशन विद दोज ऑफ मॉडर्निटी। इस फिलॉसफी में हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल व्यू हैं, ट्रेडिशनल फिलॉसफी हैं, उनको मॉडर्निज्म के साथ कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ नॉट मेयरली रेपिटेटिव, कि ऐसा नहीं है कि पुरानी फिलॉसफी को ही दोबारा से बता रहे हैं अपने शब्दों में, नहीं, उसको इस तरह से बताते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल हो। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रीथिंक इन एन अकेडमिक मैनर द थॉट ऑफ द कंटेम्प्रेरी थिंकर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, कृष्णा चंद्र भट्टाचार्य, एस राधा कृष्णन एंड मोहम्मद इकबाल। तो इन सब के नाम आपने सुने भी होंगे और इन सब की फिलॉसफी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ देयर थाट्स हैव बीन सिस्टमेटाइज कैटेगराइज एंड प्लेस्ड अंडर द सुटेबल फिलोसफिकल हेड इन दिस प्ले लिस्ट और इन दिस फिलोसफी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है स्वामी विवेकानंद जी का जो यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट है और उन्होंने अद्वैत वेदांत को कैसे इंटरप्रिटेट किया है, जिन्हें उन्होंने बोला है नियो वेदांत, वो हम इस वीडियो में करेंगे। इसके 2 या 3 लेक्चर बनेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सो स्वामी विवेकानंद ओरिजिनली नेम्ड नरेंद्र नाथ दत्त, आपने सुना भी होगा उनका जो ओरिजिनल नेम था, और स्वामी विवेकानंद उनको बाद में एक तरह से ये कह लीजिए कि कहते ना उपाधि हो गई या दूसरा नामकरण होता है जब वो फेमस हो गए, तो इस तरह से उनका जो ओरिजिनल नेम था वो नरेंद्र नाथ था। ही वॉज एन इंडियन मॉन्क फेमस फॉर हिज रिलीजियस टीचिंग एज अ मेन डिसाइपल ऑफ राम कृष्ण परमहंस। उनके जो गुरु थे वो थे राम कृष्ण परमहंस। विवेकानंद प्लेज अ की रोल इन ब्रिंगिंग द हिंदू फिलॉसफी ऑफ योगा एंड वेदांत टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ दिल्ली में भी है और भी कई जगह है, एंड रामकृष्ण मिशन एंड रामकृष्ण मठ। देन फर्दर ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन 1893। इसके बारे में आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। वेयर ही इंट्रोड्यूस द कोर आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। सी, ये जो टॉपिक हैं इस प्लेलिस्ट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इतने एक्सटेंडेड हैं कि उनको 1-2 स्लाइड में समझाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं कंटेंट को इस तरह से फॉर्म करूं कि आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक इमेज बन जाए, एक मैप बन जाए और आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। नाउ यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल रिलीजन, स्वामी विवेकानंद वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर्स शेयर्ड अ विजन ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी रेलिवेंट टूडे फॉर प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। हिज आइडिया बेस्ड ऑन वेदांतिक फिलोसफी एम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ही प्रमोटेड हारमनी, रिलीजियस टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग डिफरेंट फेथ
different religious faith. In the 21st century, we have many different religions, each with its own belief, rituals and practice. अभी भी आप देखते हैं कि इतने सारे धर्म हैं, हर धर्मों के अपने विश्वास हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने अभ्यास हैं, और डेफिनेटली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं. सो दीज डिफरेंसेस ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉयलेंस. सो यूनिवर्सल रिलीजन इनकरेज एंड एनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन व्हाइल अलाउइंग पीपल टू स्टे कनेक्टेड टू देयर ओन फेथ एंड प्रैक्टिस. तो यूनिवर्सल रिलीजन का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करना, उनका रिस्पेक्ट करना अपने धर्म में होते हुए. ऐसा नहीं है कि आपको अपना धर्म छोड़ देना है या आपको कोई धर्म परिवर्तन करना है कि आप दूसरे धर्म में जाएंगे. नहीं, अपने धर्म की प्रैक्टिस और बिलीफ को फॉलो करते हुए आपको दूसरे धर्मों की भी प्रैक्टिस और फेथ को समझना है और उनका रिस्पेक्ट करना है. दिस इज अ जनरल आइडिया बिहाइंड यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ स्वामी विवेकानंद. अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, ऑल रिलीजन्स डिस्पाइट देयर डिफरेंट प्रैक्टिस, रिचुअल्स एंड टीचिंग्स शेयर अ कॉमन स्पिरिचुअल फाउंडेशन. वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि सारे धर्म, भले ही उनमें बहुत सारे डिफरेंस हैं, अंतर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो गोल है, उनका जो कोर एम है, वो एक है. वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी को बिल्ड करना. सो इन हिज 1893 स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो, ही हाईलाइट द वैल्यू ऑफ ऑल रिलीजियस पाथ एंड कॉल्ड फॉर हार्मनी एंड पीस अमोंग देम. ही मेक्स अ यूनिवर्सल रिलीजन दैट वुड बिलोंग टू ऑल रिलीजियस पीपल, नॉट जस्ट वन ग्रुप. So this universal religion would be accepted by everyone. He also pointed out that by understanding different religion, we can see that they are not contradictory, but complement each other. जब हम दूसरे धर्मों को समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे को oppose नहीं कर रहे, बल्कि वो एक दूसरे के साथ संगत हैं. Here the key component of this concept of universal religion. अब इसके attributes क्या हैं, main components क्या हैं इस concept के, universal religion के, सार्वभौमिक धर्म जिसको हम कहते हैं, अगर हिंदी में आप ढूंढेंगे तो जहाँ तक आपको ये term मिलेगा, सार्वभौमिक धर्म. Further, first component is unity in diversity. जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे धर्मों की बात करते हैं, उनको उनके एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वो डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात कर रहे हैं. स्वामी विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज डीपली रूटेड इन हिज वेदांतिक फिलॉसफी विच एम्फेसाइज द फंडामेंटल वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस वाइल सेलिब्रेटिंग द वेराइटी ऑफ इट्स एक्सप्रेशन. जैसे जो बेस है उनकी फिलॉसफी का, वो नो डाउट अद्वैत वेदांत, वेदांतिक फिलॉसफी है. और उन्होंने कहा कि वो बिलीव करते हैं, स्वामी जी बिलीव करते हैं वननेस में. तो कहते हैं जितने भी एक्सप्रेशन आपको मिलते भी हैं, कहीं ना कहीं वो एक में जाके समा जाते हैं. अभी हम आगे बात भी करेंगे कि हम वननेस का मतलब क्या है. सो दिस आइडिया एम्फेसाइज दैट while the world is full of diverse form, cultures, religions and individual, there is a fundamental unity that connect all existence. भले ही variety है, differences हैं, but फिर भी उनमें कुछ common है. This concept is beautifully encapsulated in his analogy of different rivers. ये बहुत अच्छा example है स्वामी जी की philosophy को समझने के लिए. और ये example क्या है? Despite their varied origin and courses, all rivers eventually merge into the vast expanse of the ocean. कहते हैं ना कि नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं. तो वो कहते हैं इसी तरह, similarly, all religions, despite their unique doctrine and practice, converge towards the same spiritual goal.
उसी तरह इतने सारे रिलीजन हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अलग है, उनके सोर्सेज भी अलग हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग भी अलग हैं, लेकिन उनका जो एम है, जो गोल है, वो एक है. विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज डीपली रूटेड इन द वेदांतिक फिलोसफी एज आई सेड विच पोजिस्ट दैट ब्रह्मन द अल्टीमेट रियलिटी इज द जेन्युइन या आप ये कह सकते हैं कि और अच्छे से कहूँ सो ब्रह्मन द अल्टीमेट रियलिटी इज द सिंगुलर एंड अनचेंजिंग एसेंस बिहाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द यूनिवर्स. ही सॉ द वैरायटी इन द वर्ल्ड नॉट एज अ सोर्स ऑफ डिवीजन बट एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द इनफाइनाइट वेज इन विच द डिवाइन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी अद्वैत वेदांत का जो थॉट है कि देयर इज ओनली वन रियलिटी ब्रह्मन, वही स्वामी विवेकानंद जी के भी फिलॉसफी में दिखता है. हिज विजन इंक्लूडेड रिस्पेक्टिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ऑल रिलीजियस ट्रेडिशन फॉस्टरिंग एन एनवायरमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज रिलीजियस टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन. रिलीजियस टॉलरेंस रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस. सबसे पहले हमें इस टर्म को समझना ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है. इसको कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता. सो रिलीजियस टॉलरेंस रेफर टू द एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस. इट इन्वॉल्व्स रिकग्नाइजिंग एंड ऑनरिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू फॉलो देयर चूजन फेथ without interference, discrimination or persecution. So आप देखिए religious tolerance and acceptance जो इस diagram या इस image से भी clear हो रहा है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो विभिन्न धर्म हैं, जो बहुत सारे धार्मिक विश्वास हैं, उन सबकी acceptance और उन सबका respect. और रिस्पेक्ट एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उनके बारे में पढ़ लिया या आप उनको सिर्फ एग्री कर रहे हैं, नहीं, उनका उनको कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई करना, उनको चूज़ करना बिना किसी इंफ्रेंस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. अगर इसके बारे में और डिटेल पढ़ें रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, तो देयर आर सम पॉइंट. फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. Religious tolerance means acknowledging that people have different belief and practice and these differences should be respected. सबसे पहले तो यही समझना है कि धर्म, बहुत सारे धार्मिक विश्वास हैं और उनका respect करना चाहिए. Then second is freedom of religion. It upholds the right of individual to practice their religion freely without fear of oppression or coercion. ऐसा नहीं है कि किसी भी रिलीजन को आप जो फॉलो कर रहे हैं आप अपने मन से करें, फ्री विल से करें. ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है या कोई फोर्स कर रहा है तब आप कर रहे हैं, या कोई मैनिपुलेशन हो रहा है तब आप कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस. कि जब लोग अपनी फ्री विल से उसको एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. इट इनकरेज डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फॉस्टरिंग हार्मनी एंड कोऑपरेशन. क्योंकि जब आप दूसरे धर्मों को समझेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, तो लोगों के बीच में हार्मनी और कोऑपरेशन बढ़ेगा. देन कल्चरल इंटीग्रेशन. It supports the integration of diverse religious practice into the broader culture in the way that respect and preserves each tradition. So these are some points about religious tolerance and acceptance. Now, अब हम ये बात करते हैं कि स्वामी जी क्या बोलते हैं इसके बारे में. सो उनका एक कोट है, वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू.
वो सिर्फ ये नहीं कहते कि यूनिवर्सल टॉलरेंस या हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस पे बहुत जोर देते हैं. विवेकानंद स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस नॉट जस्ट इन अ पैसिव सेंस ऑफ एंडरिंग अदर बिलीव्स बट इन अ एक्टिव सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग देम. सो ऐसा नहीं है कि पैसिवली दूसरे रिलीजन को समझ लिया है, नहीं, एक्टिव सेंस यानी उसे एक्सेप्ट भी कीजिए, उसका रिस्पेक्ट भी कीजिए, उसे अप्रिशिएट भी कीजिए और उसे अप्लाई भी कीजिए. सो विवेकानंद एम्फेसाइज नॉट जस्ट टॉलरेंस बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन. टॉलरेंस इन हिज व्यू इज मेयरली इंजॉयिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फेथ, वेयर एज एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व अ डीपर अंडरस्टैंडिंग and appreciation of truth inherent in each religion. So, he urged people to go beyond mere tolerance and actively embrace the spiritual insights offered by different faith, recognizing their value, contribution to human spiritual evolution. Further, beyond tolerance, he advocated for acceptance, suggesting that each religion has a role in a spiritual evolution of humanity and should be respected for its unique contribution. So, religious tolerance and acceptance is about accepting and respecting the diverse religious beliefs and practices that exist in the world. It emphasizes peaceful coexistence, legal and social equality, and the protection of religious freedoms. By fostering understanding and respect, religious tolerance helps build a more harmonious and inclusive society. This is all about religious tolerance and acceptance by Swami Vivekananda. Next component of universal religion, that is spiritual oneness. Truth is one. The sage call it by different name. जैसे कि आपने पीके मूवी देखी होगी, है ना, या गॉड से रिलेटेड और भी मूवी अगर देखी होंगी, तो ज़्यादातर उनमें ये दिखाया जाता है कि इंसानों ने भगवान को अलग अलग रूप में प्रेजेंट किया है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन रियलिटी एक ही है, अल्टीमेट ट्रूथ एक ही है. सो द फंडामेंटल आस्पेक्ट ऑफ विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल वननेस. ही आर्ग्यूड दैट the core of every religion is the same eternal truth, even if it is expressed differently. So this oneness transcends the external difference in rituals and doctrines, pointing to a shared spiritual essence. According to Vivekananda, the ultimate goal of all religion is the realization of divine within each individual, a truth that remains constant despite the diversity of religious expression. So, according to Swamiji, real religion is the realization of divine within by every soul. This divinity is latent within each one of us, and religious practice only bring it to our conscious level. हम सबके अंदर वो दिव्यता होती है, वो कहते हैं उसका realization important है. तभी हमें समझ में आएगा कि हम अलग नहीं हैं, यहाँ पे कोई ड्वालिटी नहीं है, सब एक है. When one has realized one's divinity as a direct experience, one has no fear of anything, not even death itself. He must realize this divinity in his thought and selfless action. Religion is not a matter of imagination. We must apply religion to our practical world and life. There is no place for any kind of intolerance, hatred, conversion, persecution, bloodshed, and superiority in universal religion. It is simply based on expression of non-dualism that teaches the feeling of oneness. So the central idea of Vedanta is oneness. और जैसा कि मैंने कहा कि स्वामी जी के जो विचार हैं वो वैदांतिक फिलॉसफी पर बेस्ड हैं. तो देयर आर नो टू इन एनीथिंग, नो टू लाइफ्स, देयर इज बट वन लाइफ, वन वर्ड, वन एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग इज दैट वन. द डिफरेंस इज इन डिग्री एंड नॉट इन काइंड.
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. डिफरेंस कहाँ है? डिग्री में है, ना कि काइंड में. सो इट इज सेम लाइफ दैट पल्सेट थ्रू ऑल बीइंग. नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ. दिस यूनिवर्सल ट्रूथ इज द रियलाइजेशन ऑफ डिवाइन विद इन एवरी वन, जो मैंने आपको भी समझाया, विच इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. ईच रिलीजन एक्सप्रेस द हाइएस्ट ट्रूथ इन इट्स ओन वे. हर धर्म अपने तरीके से हाइएस्ट ट्रूथ को प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है. हेयर वी डोंट गेट द ट्रूथ फ्रॉम एरर बट फ्रॉम ट्रूथ टू ट्रूथ. सो वी रीच हायर ट्रूथ फ्रॉम लोअर ट्रूथ. सो देर इज नो नीड फॉर फैनेटिकल क्वारल ओवर रिलीजन. द हार्मनी ऑफ ऑल रिलीजन्स वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ हिज टीचिंग. तो इसलिए लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है. हर धर्म का अपना एक सत्य है. हम निचले सत्य से ऊपरी सत्य या सर्वोच्च सत्य तक पहुँचते हैं. स्वामी जी टीच दैट वी आर नॉट वीक, सिनफुल और मिजरेबल एज वी समटाइम बिलीव. इट रिकग्नाइज नो सिन ओनली एरर्स. कभी कभी लगते ना हम बहुत तुच्छ हैं, हमने ये गलती की, तो कहते हैं ऐसा नहीं है. सिर्फ वो पहचानने की ज़रूरत है अपनी आइडेंटिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को. सो अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद द बिगेस्ट एरर इज थिंकिंग यू आर वीक. ये सबसे बड़ा एरर ही यही है जब आप ये सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं या आप पापी हैं. सो वेदांत डज नॉट ट्राई टू रिकनसाइल आवर करंट मिसगाइडेड लाइफ विद द आइडियल लाइफ. इंस्टेड द फॉल्स लाइफ मस्ट डिसअपियर, अलाउइंग द ट्रू एवर प्रेजेंट लाइफ टू शाइन थ्रू. शंकराचार्य भी कहते हैं कि जैसे ही अविद्या हटेगी, आपको स्वानुभूति या आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान हो जाएगा, और यही मोक्ष है. नो वन बिकम्स प्योरर ओवर टाइम, रादर द प्योरिटी ऑफ द सोल ग्रेजुअली रिवील्स इटसेल्फ एज द इल्यूजन फेड. वी ऑलरेडी पोजेस एवरीथिंग इन फाइनाइट प्योरिटी, फ्रीडम, लव एंड पावर. देन फर्दर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी. ये स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसको ह्यूमनिज्म भी कहते हैं उनका, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी हम कह सकते हैं, जो हम न्यू वेदांता के अंदर पढ़ेंगे. एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद विजन वॉज द आइडिया दैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड अ मीन्स टू रियलाइज द डिवाइन. ही फेमसली डिक्लेयर द जीवा इज शिवा. ये आपने सुना होगा, ये उनके कोट कह लीजिए या उनकी फिलॉसफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट थॉट है. जीवा मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग, जीव जिसके अंदर आ जाते हैं. शिवा, शिवा मीन्स गॉड. तो मतलब मीनिंग दैट सर्विंग लिविंग बीइंग्स इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग गॉड. जब आप लिविंग बींग्स की केयर करते हैं, उनको उनकी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो अल्टीमेटली आप गॉड को सर्व कर रहे होते हैं. सो फॉर स्वामी विवेकानंद, वी शुड नॉट वर्शिप गॉड इन टेम्पल्स, सिंबल्स और इमेज, नॉट द अनसीन गॉड इन द हाई हेवन. इंस्टेड वी शुड वर्शिप द लिविंग गॉड प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. The belief underscores the importance of social responsibility and compassionate action in spiritual practice. So, Vivekananda's universal religion thus intertwines spirituality with social service. वो अगर बात भी करते हैं तो किसकी? Spirituality with social service, advocating for the upliftment of poor and marginalized as the spiritual duty. तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसी philosophy दे दी जो लोग apply ना कर सकें या जिसको लोग सुने और भूल जाएं. वो कहते हैं कि नहीं, आप अगर आप divine को divinity को realize करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा? जब आप मानव सेवा करेंगे, जब आप समझेंगे कि मानव की सेवा ही ईश्वर सेवा है. So further, selfless activity is not only social but also spiritual. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. As long as man lives in the world, he must perform worldly activity in the spirit of detachment. Thus, Neo Vedanta encourage
individual freedom and selfless activity on the part of individual and social equality and oneness in society. So Swami Vivekananda's vision of a universal religion remains profoundly relevant in today's world, where religious intolerance and conflict often dominate headlines. His message of unity, tolerance, and acceptance offer a hopeful path towards global harmony. By recognizing the shared spiritual essence of all religions and embracing the diversity of religious expression, we can work towards a more inclusive and compassionate world. So this is all about the concept universal religion. हालांकि ये बहुत एक्सटेंडेड और डीप है, अगर एक्सप्लेन करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट होपफुली मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है या जो पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं. स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सल रिलीजन इज अ विजनरी आइडिया दैट सीक्स टू हार्मनाइज द वर्ल्ड रिलीजियस डाइवर्सिटी बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉमन स्पिरिचुअल एसेंस. इट कॉल्स फॉर टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड एक्टिव अप्रिसिएशन ऑफ different faiths rooted in the understanding that all paths lead to the same ultimate reality. So now in the next video we'll discuss about neo vedanta. kuch jo content hai wo aapko lagega ki repetitive hai, but suppose aapke do alag question aate hain, universal religion pe alag aata hai, neo vedant pe alag aata hai, to aapko us content bhi us hisab se milega. otherwise ye jo topic hai ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. थैंक यू सो मच.